अनिश्चितकालीन हड़ताल के चौथे दिन भी विकासखंड कोयलीबेड़ा जिला कांगेर के छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन सालन शिक्षक संघ नवीन शिक्षक संघ का संयुक्त आंदोलन जारी है। वहीं हड़ताल में बैठे शिक्षकों के बीच मंच में जाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मन से भाषण देते हुए कहा कि शिक्षकों की मांग जायज है, राज्य सरकार को चाहिए कि इनकी मांगों पर ध्यान देते हुए जल्द से जल्द मांग पूरा करना चाहिए, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा विपत्ति ना आ पाए। मांग पूरी होने के बाद शिक्षक स्कूल में जाकर बच्चों को शिक्षा दे सकेंगे। सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे करती है, उस पर ध्यान देकर शिक्षकों की मांग को अति शीघ्र पूरा करना चाहिए। हम शासन को यह अवगत कराना चाहते हैं कि जो केंद्र के समान हमको डीए मिलना चाहिए, जो केंद्र में 34% डीए प्रदाय किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में 22% डीए प्रदाय किया जा रहा है, 12% हम पीछे चल रहे हैं। तो शासन को ये हमारा जो 12% डीए इसको शीघ्र अति शीघ्र पूरा करना चाहिए, क्योंकि अभी पूरे प्रदेश में जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, स्कूल हैं, वो पूरे बंद हैं और हमारा जो सातवां वेतनमान का जो एचआर मिलना चाहिए वो हमें प्रदाय किया जाए। हम शासन से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करें और हम जाकर अपने स्कूल में पढ़ाई पूरी कराएं बच्चों को। यदि मान लीजिए आपका मांग पूरी नहीं होती, आगे क्या करेंगे आप? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारा जो आंदोलन है पूरे प्रदेश स्तर पर अनिश्चितकालीन के लिए चलने वाला है। आम आदमी पार्टी के द्वारा यह भी कहा गया कि इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आगे शिक्षकों के साथ सड़क से लेकर राज्य तक लड़ाई लड़ेंगे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से लेकर 3 बजे तक शिक्षकों के साथ मंच पर शामिल थे। हमारा आगे का रणनीति ये रहेगा, अनिश्चितकालीन है, अगर जल्द से जल्द इसका पूरा नहीं करेंगे, जो मांग है जायज मांग है, आम आदमी पार्टी भी इस मांग को जायज मांगती है और ये वाकई में जायज मांग है, ये तो बनता है। अगर तत्काल में गवर्नमेंट नहीं मुनाया करता तो आम आदमी पार्टी भी प्रदेश लेवल में हड़ताल करने के लिए शिक्षक संघ के साथ समर्थन देगी। रायपुर अगर विधानसभा भी घेरना पड़ेगा तो हम साथ में विधानसभा घेरेंगे। मान लीजिए इनका जो मांग है वो पूरी नहीं होती है तो आगे आप इनके साथ क्या दो, इनके साथ क्या करोगे? हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे, विधानसभा घेरेंगे, भूपेश बघेल को घेरेंगे। देखिए, टीचर एसोसिएशन को हमने आज जो समर्थन दिया है, ये समर्थन इनका जो हड़ताल है लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल है और इनके मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो उस स्थिति में हम हमारे पार्टी के तरफ से खाली जिला स्तरीय नहीं, हम पूरा प्रदेश स्तरीय इनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। क्या लगता है आपको, इनका मांग जायज है? जी बिल्कुल जायज मांग है। आज जो महंगाई बढ़ रही है दिन ब दिन, उसमें एक इनका जो मानदेय है, मानदेय के हिसाब से एक परिवार का चलना बहुत मुश्किल सा नजर आ रहा है, लेकिन इनका जो मांग है इस मांग को सरकार ने चुनावी दौर से पहले चुनावी खेल खेल दिए, इनको जो मांग का वादा किया गया था वो मांग जायज है और वो मांग सरकार को पूरी करनी चाहिए। उनपे सरकार जो झूठा वादा करके गई है वो वादा को आज पूरा निभाने का समय आ चुका है।